दुर्गा सप्तशती द्वादशोध्याय। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तजनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारा बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाच, नैशासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम मातम का स्मरण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिच्छू का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस मातम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा मातम महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस मातम का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। माँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस मातम को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस मातम में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे मातम का स्मरण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। स्वस्थ शांति कर्म में बुरे सपने दिखाई देने पर तथा गृह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा मातम स्मरण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर गृह पीड़ाएँ शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न सुस्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल गृहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह मातम शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है होता है। यह मातम समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह मातम मेरे समापी की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह मात्र में श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने मार्ग में अथवा दामोदर से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दामे पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान पर में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बोनस सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, युग कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही वह अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति
यह भाव का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शत्रुम तथा महाबली निशुम के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष तैत पताल लोक में चले आए। राजा ने इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वही इस विष को मोहित करती, वही जगत को जन्म देती तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट व विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समय समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही समय समय पर महामारी होती और वही समय जन्मा होती हुई षष्ठी के रूप में प्रकट होती हैं। विष्णुनाथ देवी सब समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य की अवधय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वही अभाव के समय दैत्या बनकर विनाश के कारण होती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं।